यस, तो ग्रेविटेशन का पूरा पूरा ओवरऑल हम लोग चैप्टर देखेंगे वन वीडियो में, बहुत आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में अगर देखा जाए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे ज़्यादा नाम किसका है, न्यूटन का। अगर रियल में देखा जाए तो न्यूटन के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे देखा जाए एग्जाम्पल के लिए गैलीलियो गैलीली है कि नहीं, टीको ब्राहे, केपलर, ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट हैं जिनका जिनसे इंस्पिरेशन होकर कौन, न्यूटन ने सारा सारा पूरा पूरी कहानी ग्रेविटेशन का खड़ा किया, ठीक है। उन्होंने न्यूटन ने बताया भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है क्यों गिरता है, एप्पल है सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो एप्पल नीचे ही क्यों गिरेगा, उसके पीछे वजह क्या है और उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, सारी बातें सब कुछ न्यूटन ने बताया, ठीक है। और ये हर एक एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नीट हुआ, जेई हुआ, फॉर ऑल एग्जाम्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पूरा पूरा चैप्टर इसके अंदर सारा चीज़ समझ लिखा हुआ है, मैं डिस्कस करूँगा वन बाई वन। सबसे पहले जो शुरुआत होती है, न्यूटन से पहले जो साइंटिस्ट आया हुआ है उसका नाम क्या था, केपलर, ठीक है। न्यूटन से जस्ट पहले की अगर बात करोगे तो केपलर थे, हालांकि केपलर के ही इर्द गिर्द में अगर देखा जाए तो कौन थे वो, गैलीलियो गैलीली, लेकिन उनकी कहानी कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो केपलर ने तीन लॉ दिया था, हालांकि ये लॉ किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, टीको ब्राहे का दिया हुआ लॉ है, ठीक है। तो केपलर ने तीन लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट नंबर वन, जल्दी से बोलो, नंबर टू, ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, तीन लॉ दिया। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, यस एनीवन प्लीज, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जल्दी बोल भाई। फर्स्ट लॉ की कोई भी प्लैनेट है वो इलेप्टिकल पाथ में सन के अराउंड घूमता है, यस यस, कोई भी अगर से दुनिया का कोई भी प्लैनेट लिया जाए वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में घूमता है, सर्कुलर नहीं, इलेप्टिकल पाथ में। और एलिप्स जानते ही होंगे, ये एलिप्स होता है, है कि नहीं, ये एलिप्स है। तो एलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं, जल्दी बताओ, दो फोकस, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ कि अगर मान लो ये प्लैनेट क्या करेगा, सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू अगर देखा जाए तो दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग क्या है भाई, क्या, यस, कोई भी प्लैनेट होगा वो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करेगा, स्वाइप करेगा, है कि नहीं। तो कोई भी प्लेनेट हो वो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। अब सवाल ये कि जब मान लो एग्जांपल के लिए सन यहां पर हो, तो यहां पर इतना एरिया हुआ, तो यहां पर एरिया कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये पतला सा हो जाएगा, ताकि यहां वाला एरिया और इधर वाला एरिया बराबर हो जाए, यहां पर ज्यादा कवर करेगा तो ज्यादा तेज यहां पर चलेगा जो नजदीक होगा। तो आपने ये भी देखा कि अगर केपलर सेकेंड लॉ के हिसाब से देखा जाए तो आपने क्या एक बात देखा कि जो प्लेनेट जब सन के करीब होगा तो ज्यादा तेज चलेगा, फास्टर चलेगा, और जब दूर होगा तो स्लो चलेगा, ठीक है। इसके वजह से सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक बात और यहां पर दिमाग रखने की आपको जरूरत है कि एरिया जो रेट ऑफ एरिया होगा, मतलब एरिया डिवाइड बाई टाइम, रेट ऑफ एरिया, वो हमेशा क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेगा। तो लॉ ऑफ एरिया अगर देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मोमेंटम होगा, एरिया डिवाइड बाई टाइम, दैट मीन्स मोमेंटम, जो मोमेंटम होगा एक तरीके से, ठीक है, एरियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इसका नाम क्या है भाई, डेल ए डिवाइड बाई डेल्टी इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स कौन सा वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी क्या होगी, वो कॉन्स्टेंट रहेगी, हमेशा एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब सेम एरिया सेम टाइम में कवर करेगा। लेकिन जब करीब रहेगा तो तेज भागेगा, स्लो रहेगा, जब अगर दूर रहेगा तो स्लो चलेगा, ठीक है, ये बात समझ में आया। उसके बाद थर्ड लॉ क्या है भाई, केपलर थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ कहाँ से आता है, केपलर थर्ड लॉ आता है भाई आपका ग्रेविटेशन फॉर्मूले से। जो आपने एक फॉर्मूला लिखा था F इज इक्वल टू जी, आपने कौन सा फॉर्मूला लिखा, मैंने बोला एक फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, यहीं पे देखो, ये F इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा मास्टर फॉर्मूला है, पूरा पूरा चैप्टर नीट लेवल का इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखा जाए, यहाँ पे हमें निकालना है एग्जाम्पल के लिए कि भाई R और जो है T का रिलेशन R से कैसा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे T का रिलेशन कैसे है। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे फॉर्मूला, एम आर ओमेगा स्क्वायर, कौन सा ले लेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर और जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ से क्या होगा, सिंपल तरीके से एम एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर R कैपिटल ले लिया जाए इसे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी लिखोगे, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू आर, तो आपको मिलेगा जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर।
तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π² तो कितना हो जाएगा 4π, 4π² डिवाइड बाई t² इंटू आर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये r इधर आ जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, ये t² तो यहां से मिलता है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो यहां से मिलता है ठीक है। तो केप्लर थर्ड लॉ यहां से मिलता है, और केप्लर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेनेट किसी भी जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है, तो वो टाइम के बारे में बताता है कौन, केप्लर थर्ड लॉ, कि कोई भी प्लेनेट हो वो सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाएगा तो कितना टाइम लगाएगा, उस टाइम के बारे में कौन बताता है, केप्लर थर्ड लॉ। उसके बाद यही ग्रेविटेशन का आप सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, कौन सा फॉर्मूला है भाई ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है जल्दी बताओ, gmm डिवाइडेड बाय r² यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का क्या है, gmm डिवाइडेड बाय r² पूरा कमाल इसी का है, जस्ट इसी को हम क्या काम करेंगे, gmm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मैंने एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम लिखा है, उसका वजह क्या है, क्योंकि कैपिटल एम समझ लो मास ऑफ अर्थ है या मास ऑफ प्लेनेट है, स्मॉल एम सपोज मान लो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको हम लोग अगर इक्वल कर दे mg के तो mm कैंसिल हो जाएगा, तो gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये g मिलेगा gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ लो ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं कि ग्रेविटी बदलेगा तो वेट बदलेगा तो फोर्स बदलेगा सब कुछ बदल जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर कहीं भी रहेगा तो आप यूज कर सकते हो, gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। अब सवाल है कि ये किसके लिए है भाई, ये नॉर्मल ग्रेविटी हुई अर्थ के लिए, और ये इसको जब सॉल्व करोगे तो आता है 9.8 m/s² अगरचे मास ऑफ अर्थ और कैपिटल जी और रेडियस ऑफ अर्थ रखा जाएगा, तब मास ऑफ अर्थ कितना होता है जल्दी बताओ भाई, 6 × 10^24 kg क्या है यार, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10^6 meter। कैपिटल जी की वैल्यू कितना होता है, कैपिटल जी की वैल्यू 6 × 10^-11 Nm² / kg² ऐसा बोलने का ना, सिंपल क्लियर हुआ, तो ये आपका समझ में आ गया ठीक है। अब अगर चाहे ग्रेविटी, अगर आप कहीं हाइट पर जाओगे, यहां पर कुछ बातें और भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेविटी अगर देखा जाए, दो मासेस इसी के बारे में बात कर ले रहे हैं, अगर दो मासेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली अगर चाहे एक दूसरे से सटकर रखे होंगे कॉन्टेक्ट में, तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा, इनका रेडियस 2 times of r हो जाएगा, मतलब इनका जो रेडियस होगा वो डबल हो जाएगा, इसका रेडियस तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2r हो जाएगा, तो यहां पर r की जगह पर आप 2r रखोगे ठीक है। ये भी फोर्स के लिए एक पॉइंट है जो याद रखने की जरूरत है ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तीन जगह पर तीन तरीके से बदलती है, सबसे पहली बात अगर देखी जाए एट लैटिट्यूड एट डेप्थ एट एल्टीट्यूड ठीक है, तो एल्टीट्यूड पर ग्रेविटी घटती है जाने पर, कैसे घटती है फॉर्मूला है ठीक है, डेप्थ पे कैसे घटती है एक फॉर्मूला है, और लैटिट्यूड पे घटती है तो कैसे ग्रेविटी चेंज होती है ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैसे कहां कहां जाने पर चेंज होती है उसको भी हमें जानना है। सबसे पहली बात फॉर एग्जांपल ग्रेविटी को चेंज अगर देखा जाए, हमने फॉर्मूला पढ़ा जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, अगर चाहे मैं हाइट पर जाऊंगा, चलो फॉर एग्जाम्पल हाइट पर, तो ये जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर ठीक है। जब हाइट पर जाएंगे तो ये बदल जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आपने देखा अगर हाइट पर जाओगे तो हाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी एच इज इक्वल टू जी अर्थ डिवाइड बाई 1/h/r का होल स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर चाहो तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज करोगे कि अगर हाइट पर जा रहे हो, सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इतना हाइट पर चले जाओ कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो तो ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है ग्रेविटी, 1/4 क्वार्टर हो जाती है। अगर एच बराबर आर कर दो तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2, 2² = 4 तो कितना हो जाएगा, ये g/4 हो जाती है ठीक है। तो हाइट अगर इतना हाइट पर चले जाओ कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर चले जाओ तो आपको ग्रेविटी की कितना मिलती है, g/4 मतलब अर्थ का 1/4 हो जाता है ठीक है। मून पर कितना होता है, 1/6 मून पर कितना होता है, 1/6। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है ठीक है। तो ये आपका हाइट का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद डेप्थ का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ ऑलरेडी, डेप्थ मतलब क्या, डेप्थ का फॉर्मूला होता है जी ई डिवाइड बाई कितना होता है, 1 - d/r ठीक है। यह फॉर्मूला डेप्थ का है। अब कभी डेप्थ पर कहां पर जीरो हो जाएगा,
ग्रेविटी कहां पर जीरो हो जाएगी? अगर गहराई में जाओ कहां पर जीरो हो जाएगी ग्रेविटी? सेंटर पर। कैसे? जब अगर रेडियस, सपोज ये अर्थ है और आप यहां पर हो फिलहाल, यहां से यहां तक 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर अगर चले आए तो फिर डी बराबर आर हो जाएगा। भाई जमीन के अंदर घुसते जा रहे हो और उसके सेंटर पर पहुंचोगे तो कितना 6400 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। तो ये पहुंचेगा, डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो। तो अगर कोई पूछे सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है एट सेंटर, तो कितना बोलोगे? जीरो। तो क्या जीरो का मतलब होता क्या है? वेटलेसनेस। जीरो का मतलब क्या होता है? वेटलेसनेस। ठीक है, तो ये बात, ये फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे d को बढ़ाते जाओगे आप यहां पर रखे वैल्यू रखो 1 2 3 4, जैसे वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात क्लियर मैं कर दूं, हाइट पर ग्रेविटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हाइट पर कभी ग्रेविटी जीरो होगी? नहीं। कभी भी हाइट पर ग्रेविटी जीरो नहीं होगी, कम होती जाएगी लेकिन जीरो कभी नहीं होगी। इसलिए आपने एक ग्राफ पढ़ा था, देखो ऐसे आपको मैंने बताया था। ठीक है, एक ग्राफ इस तरीके से आपने पढ़ा, वो क्या है भाई कि सपोज एग्जाम्पल के लिए यहां पर ग्रेविटी मान लिया जाए और यहां पर आप खड़े हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप सीधा सीधा ऐसे मूव कर रहे हो, अगर डेप्थ में जा रहे हो, इधर मान लो डेप्थ है, इधर क्या है हमारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफ है, और इधर हाइट है, इधर हाइट है। तो अगर सीधा सीधा हाइट बढ़ाते जाओगे तो ग्रेविटी घटेगी, तो ग्रेविटी घटती जाएगी, लेकिन कैसे घटेगी? कर्व फॉर्म में। कैसे? लेकिन कभी भी इससे मैच नहीं करेगी, इससे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, कभी इसको टच नहीं करेगी। तो इसलिए ग्रेविटी कभी भी जीरो हाइट पर जाने पर जिंदगी में नहीं होगी। लेकिन लेकिन अगर डेप्थ में जाओगे तो जब आप डेप्थ इज इक्वल टू कितना 6400 किलोमीटर पहुंच जाओगे तो ग्रेविटी यहां पर कितना हो जाएगी? जीरो। ये ग्रेविटी जीरो है। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद एल्टीट्यूड लैटीट्यूड की बात कर लो, एल्टीट्यूड लैटीट्यूड की बात करो, ग्रेविटी क्या होती है एल्टीट्यूड पर जाने पर? घटेगी। ठीक है, ये अपना क्या है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ये इक्वेटर पार्ट है, ये पोल है। अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो ग्रेविटी क्या होती है? घटती है, कम होती है। अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो ग्रेविटी क्या होती है? बढ़ती है। ये बात बहुत सिंपल सी बात है, सबको मालूम है। ठीक है, तो ये ग्रेविटी के बारे में आपको मालूम हुआ कि ग्रेविटी कैसे कैसे चेंज होती है। अगर आपको जी मालूम हो जाएगा तो इससे फोर्स बहुत कुछ मिलने वाला है, फोर्स आपको पता चल जाएगा, वेट पता चल जाएगा, यहां तक कि आपको पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो एक टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगा। अब अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए तो क्या हो जाएगा? जी एम एम डिवाइड बाई आर हो जाएगा, जी एम एम डिवाइड बाई आर। कभी भी अगर हाइट की बात करेगा, एट हाइट, कभी भी एट हाइट की बात करेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये माइनस में होता है, जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस एच हो जाएगा। कभी भी हाइट की बात करेगा हमेशा आर प्लस एच हो जाएगा। अगर चाहो तो जी एम की जगह पर जी आर स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पूछ ले तो क्या होता है? माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। तो याद रखना है आपको एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स पूछेगा तो जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एनर्जी पूछेगा तो जी एम एम डिवाइड बाई आर, अगर चे पोटेंशियल पूछेगा तो सिर्फ जी एम डिवाइड बाई आर। ठीक है, तीनों कितना रिलेटिव है। उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है हाफ एम बी स्क्वायर, क्या पढ़ा है आपने? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां पर वेलोसिटी कौन सी होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। और आपने पढ़ा है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट जी आर। कितना होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ये जब वेलोसिटी की जगह पर अंडर रूट जी आर लिखते हैं या जी एम डिवाइड बाई आर, तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है क्या? जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर। कितना मिलता है? तो काइनेटिक एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। देखो एनर्जी कितने तरीके से है, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये जी एम एम डिवाइड बाई आर है, काइनेटिक एनर्जी जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो जी एम एम डिवाइड बाई आर ही है। टोटल एनर्जी जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये कितना हो जाएगा? जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये प्लस में था, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? प्लस में होता है। तो यहां पे इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? हाफ जी एम एम डिवाइड बाई आर। तो कोई बोले टोटल एनर्जी कितनी होती है कि उसको बोलेंगे हाफ जी एम एम डिवाइड बाई आर।
और टोटल एनर्जी का नेगेटिव जो होता है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ये टोटल एनर्जी का नेगेटिव है, तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा भाई, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस हाफ जीएमएम डिवाइड बाय आर, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होगा जीएमएम डिवाइड बाय आर। अब सवाल ये है कि बाइंडिंग एनर्जी है क्या, तो बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, कम से कम वो ताकत जिसकी वजह से रॉकेट को लॉन्च करो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, उसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो कितना वो रॉकेट को एनर्जी देते हैं वो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ा एनर्जी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। सपोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फोर्स देखो ना एक जैसा दिखता है, सिर्फ आर हटा दिए तो ये एनर्जी बना। ठीक है, उसके बाद एक एम हटाए तो पोटेंशियल बना, हाफ लगाए तो काइनेटिक बना, समझे ना, हाफ लगाए तो क्या बना, काइनेटिक बना। उसके बाद माइनस कर दिए तो टोटल हो गया, प्लस कर दिए तो बाइंडिंग एनर्जी बन गया। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, ये पूरा बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, ये पूरी पूरी बात है। ठीक है, तो यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी एम डिवाइड बाई आर, किसमें, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी एम डिवाइड बाई आर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, हालांकि इसको अगर अर्थ की बात करोगे तो अर्थ की बात करोगे, अर्थ मास ऑफ अर्थ रखोगे, रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां पर रखोगे उसका टू टाइम्स तो हो जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये छोटी सी बात है इसके वेलोसिटी। अब इसी से प्रोजेक्शन सेटेलाइट हम करते हैं, इतना सब पढ़ लोगे एनर्जी क्या सारी चीजें कि कैसे लॉन्च किया जाए, कम से कम वेलोसिटी कितना, किसी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, पहले ये सब पढ़ना पड़ेगा कि ग्रेविटेशन है क्या, कितना एनर्जी देना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, कितनी स्पीड कम से कम होनी चाहिए, पता चला ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड दे सकते हो, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पहले जब ये बात पूरी समझ में आएगी तब जाके रॉकेट को लॉन्च करोगे, तब ये प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट तब होगा। सबसे पहली बात कैसे करोगे सिपा नाउ, अगर देखा जाए प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के लिए सबसे पहली बात, जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दो स्टेजेस ऑफ इंजन होते हैं, दो स्टेजेस होते हैं, सबसे पहला वर्टिकल बाद में हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेन वेलोसिटी होती है, वो कम से कम ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होगा तो कोई भी सैटेलाइट वो क्या करेगी, जस्ट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगी अर्थ के, जो है सन के चारों तरफ। अगर कहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से अगर कम हो गई तो सैटेलाइट क्या है, लॉन्च नहीं हो पाएगी, जस्ट स्पाइरली जमीन पर गिर जाएगी। ठीक है, फॉल डाउन टू द अर्थ। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए लेकिन इसके वेलोसिटी से कम हो जाए तब सैटेलाइट सक्सेस हो जाएगी, तब ये इलिप्टिकल पाथ में चलेगी। एलिप्टिकल पाथ और भी अच्छा पाथ है, ठीक है, सर्कुलर से ज्यादा एरिया कवर करेगा। अगर कोई सैटेलाइट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाए, इसके वेलोसिटी के बराबर, तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के, समझ लो क्या है, क्रॉस में लगभग पहुंच जाएगी और लेकिन दोबारा वापस नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, इसके मतलब क्या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो पैराबोलिक पाथ में फॉलो करेगी और वो कभी वापस नहीं आ सकती है, अर्थ की ग्रेविटेशन में कभी नहीं आएगी। और उससे भी भयंकर क्या हो सकता है, अगर इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा हो जाए, तो वो हाइपरबोला फॉलो करेगी। हाइपरबोला मतलब क्या, कि फिर उसका तो कोई ग्रेविटेशन से लेना देना भी नहीं रहेगा, वो आपके अंडर में भी नहीं रह जाएगी। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट उसके बाद होता है। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर किसके लिए यूज होगा, कहां कहां पे इसको यूज करेंगे भाई, सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज को, खासकर एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं। तो इसरो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पहले किसको पढ़ा होगा, सारा नासा या इसरो पहले इस चीज को इनके अंदर पूरा रिसर्च किया होगा, फिर उसके बाद फिर देखा होगा कैसे सैटेलाइट को लॉन्च करें, कितनी एनर्जी दें, सब पढ़ लिया था, उसके बाद तो फिर सक्सेस होता है। तो ये ग्रेविटेशन का पूरा पूरा समझ लो ओवरऑल क्या है फॉर्मूला, जो बार बार हमें क्या होगा हर तरीके से यूज किया जाएगा। सपोज कुछ पॉइंट्स हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई अगर कहां पर ग्रेविटी जीरो होता है,
हाइट पर कभी ग्रेविटी जीरो नहीं होगा, अर्थ पर ग्रेविटी सेंटर पे जीरो होता है, हाइट पर अगरचे रेडियस के बराबर चले जाओ तो ग्रेविटी कितना हो जाती है, जस्ट 1/4 होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें, इसके रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, बहुत कुछ पूछ सकता है, और ये पूरा ओवरऑल हमें दिमाग में रखना है तो पूरा चैप्टर आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं? ओके, थैंक यू।